हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको ये ब्लाउज बताने जा रही हूँ। इसे आप लहंगे या साड़ी दोनों पर पहन सकते हैं और बहुत ही स्टाइलिश लगता है ये। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ मैंने अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर और ये जामा का कपड़ा भी मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है और इसका जो अर्ज है वो है 48। अगर आपके कपड़े का अर्ज कम हो तो आप 1 मीटर कपड़ा लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अस्तर के ऊपर आपको एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग करना बताऊंगी। तो यहाँ मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। देखिए मेरी साइड ये फोल्डेड है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ लेंथ। तो इस ब्लाउज को हम थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं, इसलिए मुझे ब्लाउज रेडी चाहिए 16 इंच का। तो मैंने यहाँ लंबाई ली है 17 इंच। इसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी 7 इंच पर और आर्म होल भी मैंने यहाँ लिए हैं 7 इंच। अब इस ब्लाउज को मैं बना रही हूँ 36 चेस्ट के लिए। तो 9 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और 2 इंच मैं इसमें लूँगी मार्जिन के लिए। सेम 11 इंच जो आया है वही मैं नीचे निशान लगा देती हूँ कमर पर, और इसके अंदर की साइड हम 2 इंच मार्जिन का निशान ले लेंगे और साइड के इन दोनों निशानों को मैं मिला लेती हूँ। अब इसके बाद आर्म होल पर मैंने 3 इंच पर एक निशान लिया और ऊपर की साइड 1/2 इंच का एक निशान ले लेते हैं और यहाँ आर्म होल की शेप हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद मैं नेक के लिए निशान लगा रही हूँ और मैं बोट नेक ले रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने 4 इंच पर एक निशान लिया और इसकी जो गहराई है वो ले रही हूँ मैं 3 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर जो 1/2 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं बैक में टक्स लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ से हम 3.6 पर एक निशान लगाएंगे और नीचे से इसकी लंबाई लेंगे 6 इंच, क्योंकि ये लंबा ब्लाउज है तो 6 इंच की हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। अब ये बैक पीस मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसे मैं यहाँ कट कर लेती हूँ। अब देखिए इस पीस को कट करने के बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह बिछा कर रखेंगे और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट की साइड हम 1/2 इंच लेंगे और नीचे की साइड 1 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा लूँगी और पीछे भी हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंसेस कट के डार्ट लगाएंगे तो हमें लूजिंग पीछे की साइड लेनी है। इस तरह से आपको ये पूरा पीस यहाँ ड्रॉ करना है और मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए शोल्डर से 6 इंच पर हम एक निशान लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है नेक, वहाँ से देखिए 1 इंच का मैंने निशान लगाया है और इसे तिरछा मैं यहाँ मिला दूंगी। तो यहाँ पर नेक हम इस शेप में बनाएंगे। अब आपको फ्रंट का पीस है ये, तो आर्म होल पर भी शेप देनी है। तो देखिए 1/2 इंच का निशान लगाइए और इस तरह से आर्म होल पर भी हम शेप दे देते हैं। अब इसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ बस्ट पॉइंट। शोल्डर से 11 इंच पर मैंने एक निशान लिया है और आगे की साइड से यहाँ हम 3.6 लेंगे, क्योंकि ये 36 इंच का ब्लाउज है तो 3.6 पर एक निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बस्ट पॉइंट। अभी मैं यहाँ पर इस पीस को कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट का पीस भी कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का निशान लेंगे। तो देखिए फ्रंट की साइड से हम एक 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसके अंदर की साइड हम 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर एक निशान लेंगे। तो देखिए ये निशान तो सीधा यहाँ जो बस पॉइंट है वहाँ से मिल जाएगा, और जो हमने पीछे निशान लिया है वहाँ से हम प्रिंसेस कट के लिए ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो आगे और पीछे की साइड हम इस कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे। और आप चाहें तो जो बैक का पीस है उसे इस तरह मिला कर रखें और जहाँ पर भी निशान आए वहाँ पर आप इस कपड़े को कट कर लें। तो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक के पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब इस जामा के कपड़े के ऊपर हम इसे जमाएंगे। इस कपड़े को मैंने यहाँ डबल फोल्ड करके बिछाया है और उसके ऊपर हमने अपने लाइनिंग के कपड़े को बिछा दिया है, और जो बचा हुआ कपड़ा है वहाँ से हम स्लीव्स कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पीस कट हो गए हैं। अब हम इसमें जो प्रिंसेस कट का निशान था उसे कट करेंगे। तो बैक पीस को तो हम एक साइड रख देंगे और यहाँ मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ ऊपर की साइड तो हम सिलाई लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ कपड़ा एक्स्ट्रा दब जाएगा। तो यहाँ फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं स्लीव्स कट कर लेती हूँ।
तो देखिए यहाँ मैंने 9 इंच लंबी स्लीव्स कट कर ली है। अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक का पीस तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं दोनों कपड़ों को अपोजिट रखूँगी एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ नेक पर हमें सिलाई लगानी है और नीचे बॉटम में सिलाई लगानी है। उसके बाद हम हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद आपको साइड से भी इसे अटैच करना है और जो टक्स का निशान लगाया था वो भी लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बैक का पीस कंप्लीट कर लिया है और जो मार्जिन का निशान था 2 इंच का वो भी मैं दूसरी साइड ले लूँगी। तो इस तरह से बैक पीस रेडी है। अब हम फ्रंट के पीस तैयार करेंगे। तो देखिए अस्तर को अस्तर के साथ और जामा के कपड़े को जामा के कपड़े के साथ हम दोनों पीसों को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों पीस मैंने अटैच कर लिए हैं और इसके अंदर अब मैं लगाऊंगी कप। तो जो इसका बस पॉइंट था वहाँ पर हम कप को अटैच करेंगे। तो आप 36 नाप के कप लीजिए और इस तरह फोल्ड कर अंदर और बाहर इसका सेंटर पॉइंट लीजिए। अब इस कप को आपको यहाँ इसका जो बस पॉइंट है वहाँ पर रखना है और एक पिन से आप इसे अटैच कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर इसे सेंटर से नीचे तक सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसे इस तरह प्रिंसेस कट के ऊपर से पूरी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस कप को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो अब इस पीस को आपको कवर करना है हमारे जामा के कपड़े के साथ। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से अपोजिट रखेंगे और आगे की साइड से हम जो 1/2 इंच हमने लिया था वहाँ सिलाई लगाएंगे और पूरा नेक कवर करते हुए हमें इसे सिलाई कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि जो नेक के कॉर्नर हैं दो, उन दोनों पर आपको सिलाई ध्यान से लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और नेक पर मैंने हल्के हल्के कट भी लगा लिए हैं। अब आप इसे पलटिए और जो दोनों कॉर्नर हैं हमारे उसे अच्छे से आप निकाल लीजिए। अब हम इसके ऊपर एक फ्रंट की सिलाई लगाएंगे और साइड से इन दोनों कपड़ों को अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट के दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक हाई की पट्टी। तो हाई की पट्टी हम कितनी लंबी लगाएंगे, नीचे से हम 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से ऊपर तक आप इतनी लंबी पट्टी लीजिए, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। क्योंकि देखिए हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर और नीचे से, और इसके बाद हम दोनों साइड से फोल्ड करके इस तरह पट्टी बना लेते हैं पहले। तो देखिए ये मैंने हाई की पट्टी बना ली है। अब आपको इस कॉर्नर से इसे इस तरह रखना है और नीचे तक इसे डबल सिलाई करके अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ मैंने इस पट्टी को ब्लाउज से अटैच कर दिया है और हमारे फ्रंट के दोनों पीस तैयार हैं। अब इसका जो मेन काम है, इस ब्लाउज का जो मेन पॉइंट है वो आपको करना है। तो देखिए बैक पीस पर हमने ये दोनों साइड 2-2 इंच के मार्जिन लिए थे, सेम ऐसे ही 2 इंच का मार्जिन हम फ्रंट के पीस में भी ले लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कपड़ा कट करना है। तो देखिए यहाँ नीचे से 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और इसके बाद मार्जिन के बाद मैंने 1.5 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया है। अब जो यहाँ निशान आया है सेम इस निशान को हम दूसरी साइड भी ले लेंगे और जो निशान हमने इसके दोनों साइड लिया है इसी निशान को हम फ्रंट के पीस में भी लेंगे। तो देखिए आर्म होल को आप अच्छे से सेट करिए और इस तरह से हम प्रेस कर देंगे और फ्रंट के पीस में भी मैं ये निशान ले लूँगी। अब हम इस पीस को यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए बैक पीस को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया और अब इस पीस को मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर गैप 1 इंच का भी रख सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों पर्दे जुड़ेंगे तो आपका गैप यहाँ पर 3 इंच का हो जाएगा। तो जो पतले लोग हैं वो यहाँ पर गैप को कम रखें। अब देखिए यहाँ पर बैक पीस तो मैंने कट कर लिया है और सेम इसी तरह से हम फ्रंट के दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये पीस कट हो गए हैं। अब आपको इसके नीचे एक पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड फोल्ड कर ली है, तो इस पट्टी को हम नीचे इस तरह से लगाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक के पीस में इस पट्टी को इस तरह लगाया है। जो कॉर्नर आएगा वहाँ पर आपको एक प्लेट्स देनी है, तो आपका कॉर्नर बहुत अच्छे से फोल्ड होगा और इसके बाद इसे अंदर कट करना है और पट्टी को अंदर फोल्ड कर देना है। तो देखिए यहाँ मैं पूरी पट्टी को फोल्ड कर चुकी हूँ।
देखिए यहाँ पर इसी तरह से आपको फ्रंट के पीस भी कंप्लीट करने हैं। तो देखिए फ्रंट के भी दोनों पीस मैंने पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ जो साइड साइड का हिस्सा है ना, सिर्फ यहाँ पर हम लेस को लगाएंगे और इसी तरह से मैं फ्रंट के और बैक के पीस में लेस लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस लेस को लगा लिया है। अब हम इस लेस से इसे पूरा डेकोरेट करेंगे। तो देखिए जो बॉटम है वहाँ से बिल्कुल आपको स्ट्रेट लेना है लेस को और नीचे लगाना है, और दूसरी साइड भी हम इसे बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ लेस लगाएं या आप सिंपल भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम फ्रंट के पीस में भी लेस लगाएंगे। तो देखिए बॉटम से आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेना है और नीचे से इसे कवर करते हुए फ्रंट में भी लगाना है और इसके नेक पर भी लेस लगाना है। तो हम यहाँ अगर कर्व वाली लेस लेंगे तो आपकी जो ब्लाउज में फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हम लेस को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये मैंने बैक के पीस में लेस लगाई है और फ्रंट के पीस में भी लगा ली है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो हमने साइड में लेस लगाई थी उसका जो कॉर्नर है वो इस लेस से कवर हो गया है। तो देखिए फ्रंट और बैक के पीस तैयार हैं। अब आपको यहाँ इसके शोल्डर जॉइंट करना है और जो स्लीव्स हमने कट करके रखी थी उस स्लीव्स को यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं। तो देखिए शोल्डर और स्लीव्स मैं अटैच कर चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हमने जो 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाया था उस निशान से हम सिलाई लगाएंगे, और जो भी आपका स्लीव्स बॉटम हो, जैसे यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ, तो यहाँ नीचे से आपको सिलाई लगनी है और स्लीव्स तक लगानी है। तो इसी तरह से हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसमें फिटिंग लगा चुकी हूँ और मैं अब इसे आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज़ तैयार है और ये पहनने पर बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए साइड में इसका जो गैप आया है, अगर आप कम नाप का ब्लाउज़ बनाएं तो आप यहाँ पर गैप कम रखें। आप इस ब्लाउज़ को किसी भी लुक में बना सकते हैं। आप इसे सिंपल ब्लाउज़ में भी बना सकते हैं या आप वन टक्स जो ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें भी इसका लुक ले सकते हैं। तो यहाँ ये ब्लाउज़ तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।